हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाँ तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवलप के बारे में और एनवलप पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा दो पैरामीटर पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। फाइंड द एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन वेयर द पैरामीटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई द रिलेशन ए टू द पावर एन प्लस वी की घात एन इज इक्वल टू सी की घात एन। सी वी का कॉन्स्टेंट, सी हमारा क्या कॉन्स्टेंट। देखिए इसमें हमें करना क्या होगा, हमारे दो पैरामीटर हैं, हमारे यहाँ पर कितने दो पैरामीटर और दो ही हमें इस लाइन का हमें एनवलप फाइंड करना और इस रिलेशन से हमारे कनेक्टेड हैं पैरामीटर ए एंड बी, राइट। तो प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, इसको हम जरा समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्व हम यहाँ करेंगे, इसका हमें एनवलप फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है, स्ट्रेट लाइन है हमारा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, बी को डिपेंडेंट वेरिएबल मान करके, बी को डिपेंडेंट और ए को इंडिपेंडेंट मान करके हम बी का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए, राइट। देखो जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, राइट। तो हम निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो हमारा जो वाई होता है यहां पर, वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मान लीजिए हमारा ये होता है वाई स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर या कुछ और होता, तो हमें मिलता dy upon dx is equals to 2x, मतलब x को जो मानना है हमें यहाँ पर a मानेंगे और जो y को मानेंगे वो हम क्या मानेंगे v, राइट। इसको हम रफ कर देंगे, राइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a टेकिंग v एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। v को हम क्या ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हम मान करके चल रहे हैं, राइट। तो हमें x अपॉन a का डेरिवेटिव मिलेगा माइनस एक्स अपॉन, देखिए a है हमारा, इसको ऊपर लेंगे a टू द पावर माइनस वन और a की घात माइनस वन का, a के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर, राइट। यही आएगा, देखिए कैसे वन अपॉन ए है, हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ए। तो हम इसे लिखेंगे इस प्रकार, डी ओवर डी ए ऑफ ए टू द पावर माइनस वन और इसका हमें मिल जाएगा माइनस वन ए टू द पावर माइनस टू मीन्स माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। और सेम हम बी का करेंगे, बी हमारे डिपेंडेंट है तो साथ में डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी ए मिलेगा, जैसे वाई का मिलता है डी वाई ओवर डी एक्स और मिलता है साथ में हमको, राइट। तो इसका हमें क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी बी ओवर डी ए इज इक्व टू जीरो। यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा डी बी ओवर डी ए का, तो मुझे ये मिल जाएगा, देखिए, और वन का हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस वी अपॉन वाई अपॉन बी स्क्वेयर डी बी ओवर डी ए इज इक्व टू प्लस का हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वेयर, राइट। देखिए बी स्क्वेयर हमारा इधर चला जाएगा, वाई डिवाइड में जाएगा, तो डी बी ओवर डी ए हमको मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ये हमको वैल्यू मिल गया किसका, डी बी ओवर डी ए का, डी बी ओवर डी ए का। देखो ये हमारा वेल डिफाइंड मेथड है, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इससे हम इजीली कर पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो, राइट। देखिए डी बी ओवर डी ए हो जाएगा हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम मैं यहां से फाइंड करने जा रहा हूं, कहां से, देखिए यहां से ए टू द पावर एन प्लस वी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी टू द पावर एन। यहां पर भी हम सेम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए, और v को हम मानेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इसका हो जाएगा हमारा n a टू द पावर n माइनस वन प्लस सेम हमारा यहां पर होगा n v टू द पावर n माइनस वन इंटू डी वी ओवर डी ए इज इक्व टू c टू द पावर n का जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू हम फिर से निकाल लेंगे, n हमने कॉमन लिया जीरो में भेज दिया तो जीरो में चला गया, तो हमें मिल गया v टू बी टू द पावर n माइनस वन इंटू डी वी ओवर डी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर n माइनस वन, राइट। तो मुझे मिल जाएगा डी वी ओवर डी ए इज इक्व टू माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बी टू द पावर एन माइनस वन, राइट। देखिए यहां से डी वी ओवर डी ए का वैल्यू और यहां से डी वी ओवर डी ए का वैल्यू दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, तो हम इसको नेम दे दे रहे हैं वन, इसको टू दे देंगे, इसको थ्री और इसको फोर। तो अब हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, थ्री और फोर से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए
थ्री और फोर से थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक वे में हम जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है सिस्टमेटिक वे से, हमें यहाँ पर ए और बी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इसको मैं इक्वल पुट करने जा रहा हूँ इसके, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, राइट। ये हमें मिल जाएगा माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन बी टू दी पावर एन माइनस वन, माइनस ए माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक ए को मैं ऊपर एडजस्ट करूंगा और एक बी को नीचे एडजस्ट करूंगा, राइट। तो हमारे यहाँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, इसको हम किस प्रकार थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हमें ये बनाना है एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन ए बाई अपॉन बी, और यहाँ मैं बनाऊंगा ये वाला। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, देखिए किस प्रकार मैं एडजस्ट करता हूँ। देखिए एक ए को मैं यहाँ ले गया एक्स अपॉन ए, राइट, और एक बी को मैं इसके अपॉन में ले गया बाई अपॉन बी, और यहां पर हमारा आ गया बी अपॉन ए। देखिए मैं आपको समझा दूं, यहां पर वी हमारा ऊपर जाएगा और ए हमारा नीचे जाएगा, तो ये हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहां पर देखिए आप ध्यान से रहा, ये मल्टीप्लाई में इस यहां से मैं पावर माइनस बने इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, ये पावर माइनस बने इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा ए टू दी पावर एन अपॉन बी टू दी पावर एन, और v मेरा ऊपर चला जाएगा और a मेरा नीचे आ जाएगा, राइट। तो b से हमारा यहां पर ये b कैंसिल हो जाएगा और a से ये कैंसिल हो गया, राइट। ये हमें थोड़ा सा ध्यान से और केयरफुली हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ये हमको मिल गया x अपॉन a अपॉन y अपॉन b इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, राइट। इसको मैं यहां ले जा रहा हूं और इस पूरी क्वांटिटी को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा x अपॉन a अपॉन e टू द पावर n is equal to y upon b to the power n। ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, देखो मैंने किस प्रकार से लिखा है, ये हमें सिस्टमेटिक वे से हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा कंपोनेंट टू डिविडेंड रूल। हमारा रूल क्या है, हमारा ये हमारा रेशियो वाला रूल है, समानुपात वाला रूल जो है हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो इसमें क्या मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए a upon b is equal to c upon d है, राइट। a upon b is equal to c upon d है आपका, तो आप इसको लिखेंगे a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, और ये तीनों हमारे इक्वल होंगे। इसको ये रेशियो और प्रोपोर्शन से हम करते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड हमारा अलग है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इनको हम ऐड कर देंगे और इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमें यही मिल जाएगा। देखो तो इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, ये हमें थोड़ा लगता है कि भाई ये क्या है, थोड़ा समझने में हम थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है। देखिए अगर मान लीजिए हमें ये गिवन है 1/2, और 1/2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 3/6, राइट। 3/6 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, किस प्रकार लिखेंगे देखिए, देखिए मान लीजिए ये 1/2 और 1/2 को मैं लिखूंगा 3/6, क्योंकि 3/6 को अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं तो मुझे 1/2 ही मिलेगा, राइट। अब मैं इनको ऐड कर दे रहा हूँ, तो 1/3 4 हो गया और ये हो गया 2/6 8, राइट। ऐड कर दीजिए डायरेक्ट 1/3 4 और 2/4 6 6 2 8। अब जरा देखना जरा, सभी सारे हमारे जो रेशियो हैं 1/2 1/2 1/2 तो हैं, इसका मीनिंग क्या, ये हमारा सेम ही आता है, बस जब हम ए बी सी डी में लिखते हैं तो थोड़ा सा समझने में हमें दिक्कत आती है, राइट। तो हम ये लिख देंगे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन, भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन राइट, लिख लेना यहाँ पर कंप्लीट लिख लेना पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, राइट। तो हमें अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये नियम, तो हमें मिलेगा x अपॉन a अपॉन e टू द पावर n इज इक्वल टू y अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू, मुझे मिल जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b अपॉन में मुझे मिल जाएगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अब जरा समझना क्या, देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b कितना हमारा 1, और a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n कितना हमारा c टू द पावर n। ये हमको सबसे मेन पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का बनता है, राइट। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो देख लेते हैं वीडियो में दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है, दो लाइन हो जाती है यहाँ पर, सर कोई बात नहीं। x अपॉन a अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू हमारा y अपॉन v टू द अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा हो गया कितना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये 1 हो गया और ये हो गया c टू द पावर n, तो हो गया 1 अपॉन c टू द पावर n। अब देखिए इसको नेम देंगे फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। हम केवल यहां से अब हमको करना क्या है, यहां से हमें a और v का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अब हमारा यहां से इजी हो जाएगा क्वेश्चन, हमें यहां से a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है,
और सीधा हमें पुट करना है यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकाल कर, राइट। तो हम ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड को हम लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से हम निकालेंगे और उसको सिमिलरली लिख देंगे बी का वैल्यू, राइट। तो हमें मिल जाएगा x अपॉन ये हमारा अपॉन में आ जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन c टू द पावर n, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो ये हमें मिल जाएगा देखिए a टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू x * c टू द पावर n, राइट। और हमें a का वैल्यू मिल जाएगा x c टू द पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और सिमिलरली मुझे मिल जाएगा y सॉरी b इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे y इंटू सी टू द पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए दिख रहा है आपको, हाँ राइट दिख रहा है। तो a का वैल्यू फाइंड कर लिया, b का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब इन a और b का वैल्यू को आप पुट करेंगे यहां पर फर्स्ट में पुट कर देंगे a और b को। तो हमने a और b को लिमिट कर दिया, तो हमें देखिए यहां से क्या मिलेगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हैं, दोनों से हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहां पुट करें, चलो यहां पुट कर देते हैं, यहां से भी हमें सेम आंसर मिलेगा, राइट। यहां पुट कर सकते हैं सेकंड में, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से थोड़ा सा डायरेक्ट समझ लेना आप, पावर एन करेंगे ए की घात एन, राइट, ए की घात एन, तो ये हो जाएगा एक्स सी टू द पावर एन टू द पावर जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन, राइट। प्लस में मिलेगा वाई सी टू द पावर एन टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू सी टू द पावर एन, राइट। तो हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, तो यहां पर हमें पावर मिल जाएगा c टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 कॉमन आ गया, c टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 कॉमन आ गया, और हमें यहां से मिल जाएगा x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस y टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू c टू द पावर n, और इस पावर को मैं यहां जाकर के माइनस कर दूंगा, राइट, माइनस हो जाएगा हमारा पावर। तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस वाई टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखिए क्या आएगा हमारा, यहां पर हम सॉल्व कर ले रहे हैं, यहां पर कर लेते हैं, देखिए एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन, राइट। वन एलसीएम लेंगे, यहां पर डिनोमीटर लेंगे वन, तो एलसीएम हमारा ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया एन अपॉन एन प्लस वन, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा सी टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन, राइट, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और देखिए एक ही बोर्ड पर हमने ये पूरा क्वेश्चन कर दिया। देखिए पहले आपको करना क्या, फिर से समझ लेते हैं, यहां से dv ओवर dx फाइंड करेंगे, जैसे आप dy ओवर dx फाइंड करते ना, सेम हम dv ओवर dy फाइंड करेंगे। आप b को मानिए y और a को मान लीजिए x, माइंड में जहन कर लीजिए एकदम कि हमारा भाई b क्या है y है और a क्या है हमारा x, राइट। फिर हम यहां से फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के बाद थोड़ा सा यहां से यहां तक हमारा थोड़ा सा हमको क्या करना है, ये बनाना है हमको, देखो एक तो ये बनाना होगा और ये बनाना होगा। ये हमने कैसे बनाया, पर यहां से ए को इसके अपॉन में लिखा, बी को इसके अपॉन में लिखा, और ये बनाने के बाद यहां पर ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, यहां से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला रूल लगाना है, और यहां पर आपको ये मिल जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, इसका वैल्यू सी टू द पावर एन, और यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे ए और बी को, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से हमको आसान मिल रहा है, तो यहाँ से हम कर देंगे। देखिए सेम हमारा क्वेश्चन आता है, देखो इसमें ये आप इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने हाथों से, तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा देखो ये बनता है, जब हमारा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1 1, ए प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा, राइट। जब a प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x टू द पावर 1 बाई टू, y टू द पावर 1 बाई टू, मतलब n का वैल्यू 1 हो गया ना, और c टू द पावर 1 बाई टू है ना, राइट। एक तो कुछ नहीं बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है ये वाला, सेम टू सेम आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर होगा हमारा, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा यहाँ पर, जब हम a इंटू बी को लेंगे सी स्क्वायर, यहाँ पर मैं इस कंडीशन को चेंज करने वाला हूँ। देखो इसके लिए 1 पावर के लिए और 2 पावर के लिए आप खुद करिएगा, सेम टू सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे तो हम करेंगे, कमेंट में लिखिएगा कराना है या फिर नहीं, राइट। तो एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब हमें ए और बी में जो रिलेशन होगा वो हमारा ये हो जाएगा ए बी
इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। जब ये रिलेशन हो जाएगा तो हम किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, देखिए ये हमें समझना। देखो जब हमें ये रिलेशन गिवन होगा तो आप इसको ना इससे ना करके, देखो ऐसे तो कर ही सकते हैं आप, ऐसे कर लेना है ना राइट। अब ऐसे ना करके एक इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा इजी, जो हमारा एन ब्लॉक का बेसिक जो कंसेप्ट है, एक तो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं ना राइट। एक हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा हम पुट कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक का अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैरामीटर में है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट करना है राइट। इसको मैं कराने जा रहा हूँ राइट। देखिएगा आप, हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, और हमको रिलेशन गिवन है, रिलेशन है हमारा ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर राइट। तो हम क्या करेंगे यहां से आप बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये हमारा वन है, ये हमारा टू है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू तो हम यहां से बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी का वैल्यू जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए राइट। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आ गया सी स्क्वायर अपॉन ए, और यहां पुट कर देंगे, पुट वी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए इन इक्वेशन वन राइट। तो हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी का वैल्यू पुट करेंगे तो सी स्क्वायर, और ए हमारा ऊपर चला जाएगा, वन एलसीएम ले लेंगे तो ए सी स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, और हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर राइट। हमें ये मिल जाएगा यहाँ से राइट। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इन ए, ए में पैरामीट्रिक ए में हम बना लेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे देखिए, ये तो हमारा ये रहा ए स्क्वायर वाई, इसको ले लेंगे माइनस का ए सी स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमें यहाँ से समझना होगा, इस इक्वेशन को हमें ध्यान से देखना होगा कि हमारा जो इक्वेशन वन टू और ये थ्री, हमारा जो इक्वेशन थ्री है ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया है ए में राइट। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया हमारा ए में राइट। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट कर देंगे, अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे ए कंपेयरिंग करेंगे तो हमें ए बी सी मिल जाएंगे जीरो, सॉरी ए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी वाई, वी हमको मिल जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और हमें सी मिल जाएगा यहाँ से सी स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो राइट। हमें यहाँ पर इसका एनवलप निकालने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट कर देते हैं, अगर हमारा क्वाड्रेटिक बनना है पैरामीटर में। तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए कितना हमारा वाई, और सी है हमारा सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमें ये मिल जाएगा सी टू द पावर फोर माइनस फोर सी स्क्वायर इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें मिल जाएगा फोर सी स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सी टू द पावर फोर, और सी सॉरी फोर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड एन ब्लॉक है स्ट्रेट लाइन का, जब हमारे ए और बी जो पैरामीटर हैं वो इस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड हैं राइट, विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलोप ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। राइट, इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर ठीक है या नहीं। आंसर इसका ओके, आंसर एकदम करेक्ट है। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।